पिछले 5 दिनों से सुर्खियों में रहे भगवान दास बनाम डीवी पावर प्लांट के मामले में जिला प्रशासन व स्पंज आयरन एसोसिएशन की मध्यस्थता के बीच सुखद पटाक्षेप हुआ। कलेक्टर यशवंत कुमार को दिए एक आवेदन में ग्राम कुरमापाली के भगवान दास ने डीवी पावर की वादा खिलाफी का जिक्र किया और बताया कि 4 साल पहले डीवी पावर में चलने वाली ट्रक से कुरमापाली गांव स्थित मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। समय तात्कालिक विधायक उमेश पटेल की पहल पर डीवी पावर के उच्चाधिकारियों ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 8 लाख रुपए भगवान दास को देने का वादा किया था। कंपनी प्रबंधन की बातों में आकर भगवान दास ने कर्ज लेकर मंदिर का निर्माण तो करवा दिया, परंतु डीवी पावर ने वादा खिलाफी की और भगवान दास को केवल 50,000 रुपए ही दिए। इधर कर्ज तले दबे भगवान दास ने अपनी पीड़ा जिला कलेक्टर के सामने रखी और 4 दिन में उसे पूरे पैसे नहीं मिलने की स्थिति में आत्महत्या कर लेने की बात कही। जिला प्रशासन के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल भगवान दास के गांव पहुंचे। लगातार जिला प्रशासन व डीवी पावर के बीच इस गंभीर मुद्दे को लेकर चर्चा का दौर चल ही रहा था कि भगवान दास ने सोमवार देर रात आत्मघाती कदम उठाते हुए धारदार ब्लेड से खुद की जख्मी कर लिया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस विभाग ने तत्काल मंदिर परिसर का ताला तोड़कर भगवान दास को जिला चिकित्सालय उपचार के लिए दाखिल करवाया। जहां कलेक्टर यशवंत कुमार व पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी सुबह 3 बजे तक अस्पताल में ही मौजूद रहे और सतत निगरानी के बीच कुशल चिकित्सकों के द्वारा उसका इलाज किया गया। बताया भगवान दास आज आपको चेक पेमेंट मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? चेक मिला है मेरे को तो कर्ज से मुझे मुक्तारा मिल जाएगा और मैं कंपनी का प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आप खुश हो कि आपको चेक मिला और सब समस्या खत्म हुई आपकी? जी। अब आइंदा कोई आप इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठाएंगे? नहीं, सारा के सारा मतलब जो कमी है वो पूरा हो गया। पूरा हो गया तो मुझे सब थोड़ी लग रहा है। इसके लिए आप जिला प्रशासन को और कंपनी को धन्यवाद देंगे? कंपनी को ध्यान दे रहे हैं, दिन दुगने रात चौगुने तक की करे कंपनी। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन जो आपके लिए इतनी मेहनत करी, अब उनके बारे में अभी कितना का चेक है टोटली, कितना पैसा मिला है आपको? 7,53,000। कितने आपका बकाया था जी? ये कुल मिलाकर जो पिछले 6 साल पहले जो मंदिर निर्माण के जो टूटने का था, अब डीपी पावर का अपना एक कहना था कि पूर्व में जो सहयोग कर सकते थे हमने किया है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ सकती हैं, इसलिए वो अपने जो भी अपने टेक्निकल कारणों से बार बार जो वो कर रहे थे उसके कारण ये दिक्कत थी। पिछले 5-7 दिन से ये चीज़ मामले चर्चे में चल रहे थे, तो ऐसे में हम लोग पैरल लगे हुए थे कि कहीं कहीं से हमको किसी न किसी रूप में इस मानवीय संवेदना के आधार पर हमको सहायता मिल सके। और सबसे मुख्य माननीय मंत्री जी भी इसमें लगे हुए थे, तो अंत में जो है हमको यहाँ से रायगढ़ के अच्छे जो एसोसिएशन है उनसे भी सहयोग मिला और अंत में निर्णय लिए उन लोग अपनी मीटिंग के माध्यम से कि इसमें सहयोग करेंगे। क्या लगता नहीं सर प्रशासन को दबाने का प्रयास है डीवी पावर द्वारा? 4 साल से मामले को लटकाने की आत्महत्या तक का प्रयास की स्थिति आ गई। देखिए, अब डीवी पावर के अपने इश्यूज हैं, अपने उनका पूर्व में यही कहना था कि जितना हम लोग सहायता कर सकते थे सामग्री के माध्यम से, राशि के माध्यम से जितनी क्षति हुई थी वो हम कर चुके हैं, तो ऐसा उनकी अपनी ओर से पक्ष सफाई थी। प्रशासन फिर भी सहयोग कर ये अपेक्षा कर रही थी डीवी पावर से कि अच्छा अच्छा करे, एज पॉसिबल एज डीवी पावर भविष्य में अगर किसी प्रकार की होती है तो जो अपेक्षित सहयोग रहेगी ऑन स्पॉट करेंगे, इसमें सहमति भी बनी है। अच्छी मीटिंग होने के बाद में एक सद्भावी का एक सुखद परिचय। हाँ जी, इससे अच्छा तो और हो ही नहीं सकता कि किसी जरूरतमंद को अगर वो उधारी से दबा हुआ है तो उसको राशि मिल गई और एक रायगढ़ के संवेदनशील जनता की एक पहचान भी मिल गई। लगभग 5 दिन से जिला प्रशासन भी इसके लिए पीड़ित। सभी मतलब पुलिस प्रशासन विशेष रूप से परेशान थी और हम भी थे, तो इसके लिए अंतिम सुखद पटाक्षेप हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आगे इस प्रकार की कोई घटना ही ना हो और किसी प्रकार की आगे भी भगवान दास जो है कि नॉर्मल जिंदगी अपना व्यतीत कर सके। बचे और मामला सुलझे। हाँ ठीक है। हमें जैसे ही जानकारी मिली कि एक मंदिर का पिछले मेरे ख्याल से 7-8 महीने पुरानी घटना है, जब मंदिर कुछ किसी हाईवा के कारण टूट गया था, जिसे भगवान दास जी ने आत्महत्या की कोशिश करने के लिए और कलेक्टर वगैरह को भी उन्होंने लेटर वगैरह लिखा था, तो माननीय उमेश पटेल जी मंत्री जी ने भी हमें आग्रह किया कि इसे जितने यथासंभव हो सके जो सहायता कीजिए, और हमें लगा कि ऐसे कामों में सहायता करना चाहिए ताकि किसी की ज़िंदगी बच सके। माननीय कलेक्टर महोदय भी संवेदनशील हैं, उन्होंने भी आग्रह किया, बोले संजय जी जो आप कर सकते हैं, आपका एसोसिएशन कर सकती है, आप कीजिए। हमने अपने तरफ से 7,53,000 का चेक उसे भेंट किया है अभी, और ताकि उन्हें वो अपनी ज़िंदगी को उनके जो कर्ज है मुक्त हो सके। लेकिन तो मामला डीवी पावर का था, आपने कैसे चेक? अब डीवी पावर से कोई ऐसा नहीं है, यह तो संवेदन
सील मामला है और किसी की ज़िंदगी का सवाल था। डीबी पावर अपने जगह पे है, वो अपने जगह पे काम कर रही है। हमें लगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम आगे बढ़कर इसे पूरा किए। मतलब प्रशासन ने आपको पहल करने कहा? प्रशासन ने भी कहा और हमारी भी एक मानसिकता थी कि कोई अच्छा काम हो सके, और अभी तक से हम अच्छे कामों में अपना कार्य करते आ रहे हैं। ये यथासंभव कोशिश करते हैं कि पब्लिक को और समाज को हम नई दिशा दे सकें। For more information, log on to www.clips.in.